दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दुखदायी खबर सामने आई है। जी हाँ, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पर एक बच्चे के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने पिता के आरोपों का खंडन करते हुए बच्चे का उपचार सरकार की मदद से करने का भरोसा दिया है। आरोप है कि बिल बनाने के चक्कर में अस्पताल वाले उसके बेटे को बंधक बनाए हुए हैं। नोएडा के बरौला सेक्टर 39 निवासी और पेशे से पेंटर प्रमोद का कहना है कि उनके 6 साल के बेटे प्रियांश को 2 वर्ष पहले ज्यादा डोज का इंजेक्शन देने की वजह से दोनों किडनी खराब हो गई थी। इस वजह से उसे 2016 में पहली बार सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी बच्चे को दी। उसके बावजूद 2017 में एक बार फिर 2 दिन के लिए बच्चे को भर्ती करना पड़ा। इस वर्ष 30 जून को जब बच्चे को फिर भर्ती कराया गया तो इलाज का बिल कई लाख रुपए हो जाने पर उन्होंने अस्पताल से और पैसे नहीं दे पाने की सूरत में छुट्टी की मांग की, लेकिन अस्पताल ने बचे पैसे के भुगतान होने तक की बात कह बच्चे को अस्पताल पे रोक लिया। क्यूरियन हेल्पडेस्क की रिपोर्ट।